भाई का फोन आता है मेरे पास, वो बोलता है कि भाई मैनेजर आया हुआ है, वो बैंक में नौकरी करता है, तो बोलता है मैनेजर आया हुआ है और वो बोलता है कि आपको लगवाना पड़ेगा, मतलब टीका तो लगवाना पड़ेगा, सबका लग चुका है, सिर्फ तुम अकेले बचे हो, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, तुम उनको बोलो एक चिट्ठी लिखो फटाफट से, टाइप करो अपने लैपटॉप के ऊपर कि मैं लगवाने को तैयार हूं, बस मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए, मैं संतुष्ट, तो मैं आपका गुलाम, लेकिन अगर मैं संतुष्ट नहीं तो फिर मैं गुलामी नहीं करूंगा। भाई ज्ञान के साथ तो गुलामी कर लेंगे हम, लेकिन ऐसे नहीं। मेरा सवाल क्या है कि मैंने सुना है कि यह लगवाना ना लगवाना स्वैच्छिक है, इस पर कोई कंपल्शन नहीं कर सकता, क्योंकि यह मेरा शरीर है और इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार मेरा है, यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो इसको बनाने वाली कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर डाले हुए हैं, मतलब अभी आपको कुछ नहीं करना है, कंपनी का नाम लिखो और सामने ब्रैकेट में उसकी वेबसाइट का नाम, दो तीन तरह के हमारे यहां प्रचलित हैं, उसमें वेबसाइट पे जाओ, वहां पर जाकर के आप इसके बारे में पूरी डिटेल देखो, आपको मिल जाएंगे, उसमें लिख दो कि इसमें ये साइड इफेक्ट्स हैं, उन साइड इफेक्ट्स में ब्रेन हेमरेज भी है, उसमें पैरालिसिस भी है, उसमें कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ब्लड क्लोटिंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, सिरदर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, आपको बाल उड़ सकते हैं, आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, आपका जोड़ों में दर्द शुरू हो सकता है, आप मतलब दांत गिर सकते हैं, आपको फोड़े फुंसी हो सकती है, वो उसमें बकायदा लिखा हुआ है। और हमारे जो डायरेक्टर जनरल है ICMR के बलराम भार्गव, उन्होंने भी अपने एक बयान में कहा है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है, जिसमें वो बोल रहा है ऑल वैक्सीन आर डिजीज मॉडिफाइंग, दे डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब उनसे इन्फेक्शन की रोकथाम नहीं होती है, अगर आपको जीवन में कभी कोई बीमारी हुई है तो अब आपको नई बीमारी लगने वाली है, यह तो हमारा बलराम भार्गव बोल रहा है, यह दूसरी लाइन लिख दो। तीसरी लाइन आपने लिखनी है कि यदि मान लो बाय चांस, क्योंकि सरकार का आदमी कह रहा है कि 1,00,000 में से किसी एक को हो सकता है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि वो एक मैं हूं, तो मान लीजिए किसी को साइड इफेक्ट हो जाए या मुझे साइड इफेक्ट हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, बस तीसरा लाइन ये है। चौथी बात, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कितना मुआवजा मिलेगा और कौन देगा, ये चार सवालों के जवाब आप अपने मैनेजर को लिख दो और उसमें लिख देना पांचवी लाइन कि अगर आप मुझे कुछ हो जाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, देन आई एम रेडी टू कॉम्प्लाई, बात खत्म, मना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको समझ है तो आप बात को दूसरे एंगल से बोल सकते हैं ना, आपको मेरी तरह अड़ने की जरूरत नहीं है ना, भाई आप ये कहते हो कि तो नौकरी करता है, ठीक है नौकरी करता है, तो नौकर की भाषा में लिख लो, नौकर अपने मालिक से कुछ पूछना चाहे विनम्रतापूर्वक पूछ ले और उसमें ये बातें पूछ ले, बात खत्म। ओ भैया जी, उसने तो मैनेजर को बोला ये चिट्ठी, उसने मैनेजर ने फटाक से वापस पकड़ा दी उसको, उसने बोला जी रिसीविंग दे दो, रिसीविंग नहीं होती ऐसी ऐसी चिट्ठियों की, उसने बोला जी मैंने मेल भी कर दिया आपको, मेरे को मेल पर जवाब दे देना, अब मेल तो ऑफिशियल है, वो तो सीधी सीसी करिए ऊपर भी, कहला जी उसका जवाब मेरे को मेल कर देना, आई एम रेडी। ओ भैया जी, तब से लेके आज तक, आज पूछा मैनेजर ने तो, और जिसने भी अपने अधिकारी को यह चिट्ठी लिख कर दी जो हमने बताई, किसी अधिकारी ने आज तक मुड़कर उसको बोला नहीं। लेकिन पंगा एक है भाई साहब, ये जो लाइन मैंने बोली थी कि मेरा शरीर है और इस पर मेरा अधिकार है, ये अधिकार मुझे किसने दिया, किसने दिया है? अभी ये अधिकार हमको दिया इस देश के कानून ने, वो कानून बनाया हमने, मतलब उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि देश के संविधान को हमने बनाया अपने लिए और उसको हमने खुद को डेडिकेट कर दिया, इसीलिए उसकी पहली लाइन है हम भारत के लोग, हमने ये संविधान बनाया और अपने को अर्पित करते हैं। तो संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिए कि मैं ऐसे ऐसे करके मुझे ये अधिकार है और मेरे ये कर्तव्य भी है उसके अंदर, यह दिया हुआ मौलिक। अच्छा, अगर इस देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाए तो क्या आपके पास तब भी अधिकार रहेगा? भाई अगर देश के संविधान पे कांटा लग जाए और कहे कि देश का संविधान अभी काम नहीं कर रहा है, तो अभी कोई और दूसरा कानून काम कर रहा है, तो क्या तब भी आप ये बोल पाओगे?